हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग किस कारण से बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस हैं, राइट। अब इस पर्पज के लिए हमने कहा सर आप किन रीजन से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको याद होगा हमने आपके साथ जब कॉस्टिंग के लिए डिस्कस किया था तो आपको कहा था कि सर ये सभी के सभी खर्चे आपको खर्च करने पड़ते हैं। अब इतने सारे खर्चे खर्च करने के बाद तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप जो हैं कौन से खर्चों को अपनी कॉस्टिंग के अंदर कैलकुलेट करें और कौन से खर्चों को कॉस्टिंग में इंक्लूड ना करें, राइट। कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, कौन से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, मतलब कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कॉस्ट कितनी कैलकुलेट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के। अब इस पर्पज़ के लिए बच्चों हमने आपको कहा कि आप कौन कौन से एक्सपेंसेस को आप इंक्लूड करेंगे और कौन कौन से एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके लिए हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग विल प्रोवाइड यू द हेल्प रिगार्डिंग दिस कि आपको कौन कौन से खर्चों को इंक्लूड करना है और कौन कौन से खर्चों को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। तो बच्चों हमारा प्राइम इंपॉर्टेंट सबसे पहला काम होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वो ये कि कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना कि अगर आप शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो शर्ट बनाने के लिए हमारी कॉस्ट क्या आती है, अगर आप फैन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फैन बनाने के लिए आपकी कॉस्ट खर्चा कितना आता है, अगर आप एक मोबाइल कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक कॉल जब की जाती है तो उसके ऊपर खर्चा कितना होता है, अगर आप किसी ट्रेन में काम कर रहे हैं या ट्रेन रेलवे में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सर्विस कॉस्टिंग में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी एक पैसेंजर की एक किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आती है। मतलब आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना कि प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर खर्चा आप कितना खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ द प्राइम इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब आपने कॉस्ट तो आइडेंटिफाई कर ली, तो इस कॉस्ट को कंप्यूट करने के बाद करोगे क्या, आप कॉस्ट कंप्यूट करने के बाद करना क्या चाहते हो बच्चों, कॉस्ट कंप्यूट करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उस कॉस्ट में अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें जिससे कि सेलिंग प्राइस आ जाए, मतलब हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में कितने प्राइस में सेल आउट करें, राइट। तो मार्केट में प्रोडक्ट को सेल आउट करना इज द बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंप्यूट करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई करना ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट को कितने में बेचेंगे फ्यूचर के अंदर, राइट। आप कहोगे सर फ्यूचर में आप क्यों बोल रहे हो, सर इसलिए क्योंकि जब मोबाइल मान लो अभी जो है वन प्लस लॉन्च हुआ, अब वन प्लस जैसे ही लॉन्च हुआ तो मोबाइल कंपनी ने हमको बोल दिया कि सर वन प्लस सिक्स जो है वो अराउंड 35,000 का है, राइट। अभी कंपनी ने बेचा भी नहीं पर पहले से आपको बता दिया कि वन प्लस सिक्स जो है 35,000 का है, आईफोन लॉन्च होने से पहले बता दिया जाता है कि वो मार्केट में कितने प्राइस पर लॉन्च किया जाने वाला है। तो ये कैलकुलेशन कब की जा रही है, प्रोडक्ट को बेचने के बाद या प्रोडक्ट को बेचने से पहले, ऑब्वियसली प्रोडक्ट को बेचने से पहले है। तो मतलब यही काम हमें कहाँ पर करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है दैट टू आइडेंटिफाई सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस कंप्यूटेशन। हालांकि सेलिंग प्राइस कंप्यूटेशन के लिए बहुत बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग प्राइस को फाइंड करना जो है सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे किया जाएगा। बच्चों ध्यान से सोचो बहुत बार ऐसा होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर हम लोग सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई नहीं करते, राइट। हमने पेन बनाया है 50 रुपये की कॉस्ट का, राइट। अब इसमें प्रॉफिट ऐड किया 20 रुपये का, अब मतलब हमारा जो पेन होगा वो जो है 70 में मार्केट में बिकना चाहिए, बट बिल्कुल हमारे जैसा पेन जो है मार्केट में 65 में बिक रहा है, चलो 65 छोड़ो 50 में बिक रहा है 50 रुपये में। अब अगर हम 70 रुपीज में बेचेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर पाएंगे, अगर प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर पाएंगे तो क्या करें, हम भी 50 में बेचना शुरू कर देते हैं। आपको कि सर इससे तो हम प्रॉफिट कमाएंगे ही नहीं, सर कमाएंगे। इस केस में हम लोग ये सोचे चलते हैं कि अगर जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे, हमारी जो कॉस्ट होगी 50 रुपये से कम हो जाएगी, राइट। और ज़्यादा प्रोडक्शन हम कब करेंगे, जब ज़्यादा सेल होगी, राइट।
तो पहले हम 50 रुपये का मार्केट में सेलिंग प्राइस फिक्स करके पहले प्रोडक्ट को 50 में बेचना तो शुरू करें। जब मार्केट में 50 रुपये में पेन को बेचना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी कॉस्ट 50 रुपये से कम आ जाएगी, और जब 50 रुपये से कॉस्ट कम आ जाएगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट कंपनी में आएगा। आपको कि नहीं सर हम तो 60 में बेचेंगे, राइट। अगर आप 60 रुपये की जिद पर अड़ जाओगे कि कॉस्ट 50 की है, 10 रुपये का प्रॉफिट है, 60 रुपये में बेचूंगा, तो सर जो आपका कॉम्पिटिटर है वो 50 में अगर सेम तरह का पेन बेच रहा है, आपके पेन में उसके पेन में कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो डेफिनेटली आप 60 रुपये में एक भी पेन बेच नहीं पाओगे, राइट। या अपने जानने वालों को बेचोगे, या उनको बेचोगे जिनको दूसरी कंपनी के बारे में पता नहीं है, राइट। सो व्हाट वी मीन, हमें कभी कभी कॉस्ट को साइड में रखकर भी सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बट उसके बावजूद भी कॉस्टिंग, कॉस्ट की कंप्यूटेशन इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर हमें कॉस्ट पता ही नहीं होगी तो हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि हमें कॉस्ट को रिड्यूस भी करना है, राइट। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको यहां पर बताना है, दैट इज CC&CR, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। पूरा लिख देते हैं, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। आप कहेंगे सर इनमें डिफरेंस क्या होता है, राइट। बिल्कुल हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। बट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन ये समझ लो कि अभी फिलहाल हमारी कॉस्ट आ रही है 50 रुपये पर यूनिट। हम कोशिश कर रहे हैं कि 50 रुपये की कॉस्ट ना आके 40 रुपये की कॉस्ट आए, 45 रुपीज़ की कॉस्ट आए। हम कॉस्ट को हमेशा लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए हुए, राइट। तो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन जो है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, राइट। एक और ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज असिस्टिंग मैनेजमेंट। हमने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मैनेजमेंट को बहुत बार डिसीजन मेकिंग का काम करना होता है, उस डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को चाहिए होती हैं। वो जो रिपोर्ट्स हैं वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अगेन आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव, दैट इज असिस्टिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कंप्यूटेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके साथ सीखेंगे कि हमारा कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस क्या है, और इनफैक्ट कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन होता क्या, राइट। बाय।